आप आपने रिवाइज किया है? ये बड़ा इसे कंप्लीट करना था यार, हो गया? इस किस फिगर में इशू आया? ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स का आवाज आ रही है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को मेरी बात ठीक आ रही है? ये बड़ा इसका पार्ट ए में कोई मसला जो कल किया था। सर ये वादे खत्म करें भाईजान। जो वर्किंग्स कल की थी उसमें तो नहीं कोई मसला सर? सर कोई है सर? क्या वाकई आपसे बातें हो रही हैं? यकीन माने है? जी फिर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का क्या बना? किसी जगह कंफ्यूजन कल से रिलेटेड? एनी कंफ्यूजन सर? यानी कि ये सवाल भी गया, किताब में हो चुका है, आंसर लिखा हुआ है। देन सर मतलब पिछले क्वेश्चंस में है जरा, नाइन नाइन टेन कहाँ तक पहुंचा? नाइन तो हो गया होगा कि नहीं? चले टेन होमवर्क रख लिया, फिर मंडे को डिस्कस कर लेते हैं, आज कुछ और पढ़ लेते। नाइन में तो इशू नहीं है मेरे को, नाइन तो फाइनल है, नहीं किया खत्म कर। जजाकअल्लाह सर, बहुत शुक्रिया सर। जिन्होंने नहीं किया टेन वो कल तक कर लें, परसों डिस्कस कर लेंगे, और जिन्होंने कर लिया वो छा गए, यकीन मानें कमाल हो गया, अच्छा लगा सर। रजिस्टर का एक नया पेज खोलिएगा सर। जी महसूस ऐसे हो रहा है कि फॉर्मेलिटी सी है, मैं आके सवाल पूछता हूँ, भाईजान होमवर्क हो गया है, क्लास में से कोई एक दो आवाजें आती हैं वो ऊंची बोल देते हैं, जिसका मतलब ये होता है सबकी तरफ से हो गया, और मेजोरिटी मुस्कुरा देती है, क्या हमें ऐसा समझा जा रहा है? और बात आगे चल पड़ती है, एक नया सफा खुल गया है, पुराना भी खाली है, नया फिर सामने आ गया। आए कुछ और बोर्ड से देख के लिखे, गेम लगता है ये हो रही है। ऐसे ना कीजिएगा सर, छुट्टियों से पहले छुट्टियां और छुट्टियों के बाद में छुट्टियां अफोर्डेबल नहीं है सर। पढ़ लें आज, क्या आज आप घर से पढ़ने आए हैं? यकीन माने पढ़ने आए, नया पेज खोल के एक हेडिंग लिखें। नहीं सर जी जाने दे गुस्सा, क्या आपके ख्याल में डेप्रिसिएशन बस यही है? ये मजाक यहाँ नहीं है सर, खत्म हो रहा, गेम ऑन है, अभी ना करें सर। ये जो मैं लिखने लगा आपके सामने, मैंने पॉइंट नंबर टू इसलिए लिखा है कि रजिस्टर में पीछे चले, मैं सब सीरियस हो जाएगा, अपने रजिस्टर में कुछ दिन पीछे जाएगा। एक समरी ऑफ अकाउंटिंग एंट्री ऑफ डिस्पोजल वाला पेज बनाया था हमने, ये जरा भाई का मोबाइल ऑफ करना उससे हो नहीं रहा, या मुझे देना, मैं कर देता। समरी ऑफ अकाउंटिंग एंट्रीज ऑफ डिस्पोजल लिखा होगा कुछ, उसमें पॉइंट वन में लिखा होगा, एक नंबरिंग की होगी वन, इफ लेजर्स आर रिक्वायर्ड कुछ हिस्सा, इफ डिस्पोजल अकाउंट इज रिक्वायर्ड, लिखा होगा? लिखा भाई सर। लेकिन कभी कभी बड़ा एग्जामिनर जो है वो क्या करता है, अब आ जाओ आप जरा, वहीं से वन के बाद अभी टू हो रहा है, इफ लेजर्स आर नॉट रिक्वायर्ड। If ledgers are not required, ये पिछले दिनों में जो हमने क्वेश्चंस किए हैं, अगर आप देखना चाहें तो जरूर देखें एक नजर। क्वेश्चन नंबर वन से शुरू करें, जो हमने वन से अभी शुरू किए हैं, जब डिस्पोजल आ गई थी, वन से लेके कल वाले सवाल तक अगर हम देखें तो एक मिनट जरा रिक्वायरमेंट्स पढ़ना, प्लीज पढ़िएगा सर। नहीं वो इतना पीछे नहीं पड़ा, जब डिस्पोजल जब से स्टार्ट हुई है इतना पीछे नहीं यार, डिस्पोजल जब स्टार्ट हुई है। क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन पेज नंबर 37, पेज नंबर 37, इसकी रिक्वायरमेंट पढ़े, लेजर्स बनाने को कहता है। नंबर टू में जाए,
रिपेयर प्लांट मशीनरी अकाउंट लेजर है नंबर नेक्स्ट कौन सा थ्री रिपेयर नंबर फाइव लेजर्स हैं सारे। हाँ कभी कभी कोई लेजर कभी WDV पे कभी कॉस्ट पे वो गलत इशू है लेकिन लेजर्स है। नंबर सिक्स सेवन एट नाइन टेन आबे हयात लेजर्स कभी कोई कल वाले सवाल में क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का सिर्फ लेकिन लेजर 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 एंड लेजर्स। अब आ जाए सर नेक्स्ट पेज पर। अब बोर्ड पे मैंने क्या लिखा बस करें सर बस कर दें यार बट अगर नहीं था तो नहीं था यार अगर नहीं नजर आया तो कैसे देखें अब हम। कभी कभी एग्जामिनर क्या कहता है लेजर्स की बजाय रिक्वायरमेंट इस तरह से लिखता है रिक्वायरमेंट सुना मैं सर प्रिपेयर अकाउंटिंग एंट्रीज तो फर्क पड़ेगा। अभी कस्टम्स किस तरह कर रहे हैं आप प्रिपेयर प्लांट मशीनरी अकाउंट डिस्पोजल अकाउंट एक्युमुलेटेड या कोई एक और अगर इसकी जगह लिखा हो प्रिपेयर अकाउंटिंग एंट्रीज तो मीन्स टू से लेजर्स आर नॉट रिक्वायर्ड। क्या की बजाय अगर रिक्वायरमेंट क्या होता है लेजर्स की बजाय अगर अकाउंटिंग एंट्रीज होता है लेजर्स आर नॉट रिक्वायर्ड होता है एंट्रीज आर रिक्वायर्ड होता है तो देन अभी आपके सामने मैं जो डिस्कशन करूंगा उसमें डिस्पोजल अकाउंट जरा जहन मिलाया था क्या डिस्पोजल अकाउंट में गेन लॉस आ जाता लेकिन वो लेजर है डिस्पोजल अकाउंट लेकिन बेटा कब अगर लेजर्स ना भी रिक्वायर्ड होना तो अकाउंटिंग एंट्री ही समटाइम्स इस तरह से कर ली जाती है कि उसके अंदर भी गेन लॉस आ जाता तो वो काम मेरा है। आप पहली हेडिंग बस लिखना है तो बात वही है लेकिन एक और तरीके से होने लगी ये लिख ली हेडिंग क्या हेडिंग है मीन्स से यहां से ऑनवर्ड्स अगर कभी हम सवाल करेंगे तो रिक्वायरमेंट्स पढ़ के ये देखा करेंगे कि क्या लेजर्स बनाने हैं और अगर लेजर्स बनाने हैं तो वही प्रोसीजर्स हम बनाएंगे जो हमने कल तक डिस्कस किए लेकिन अगर लेजर्स नहीं रिक्वायर्ड तो देन फिर हम क्या करेंगे वो इंशाल्लाह पढ़ेंगे। बात अभी भी किसकी हो रही है समरी हो ये ऊपर 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 लिखा है ढूंढने जगह थोड़ा समरी ऑफ एंट्रीज ऑफ डिस्पोजल लेकिन पहले क्या पढ़ा कि अगर लेजर्स बना के करना है डिस्पोजल का रिकॉर्ड और अब अगर लेजर्स नहीं बनाने तो फिर क्या करना बिल्कुल परेशान ना होइएगा मैं जरा कॉन्टेक्स्ट क्लियर करने के लिए बातें कर रहा हूँ बाकी भी आपके सामने रखता हूँ। इकट्ठे हो गए सर बस अब लिखना छोड़ें बोर्ड पर देखना स्टोरी वही है इफ आप नहीं लिख रहे अभी नो सेपरेट लेजर ऑफ एक्युमुलेटेड अप्रिसिएशन हो सकती है सिचुएशन हो सकती है सर किस केस में अगर लेजर WDV पे बनाना हो और क्या ऑपोजिट सिचुएशन भी हो सकती है क्या तो इस केस में एसेट अकाउंट किस पे बनेगा इफ सेपरेट लेजर ऑफ एक्युमुलेटेड अप्रिसिएशन अब मैं जो कहना चाह रहा हूं वो बोर्ड पे देखो अगर किसी एसेट की डिस्पोजल हो जाए तो क्या कैश आता है क्या एसेट जाता है लेफ्ट साइड में फर्ज करें कैश आया है 5 लाख आप ये कैश वाली एंट्री कंप्लीट करें वैसे ही जैसे आपको पहले पता कैश डेबिट डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट सपोज एसेट आपने बेचा है उसका नाम मशीनरी है अब इस मशीनरी के सामने मशीनरी को क्रेडिट करने के लिए डेबिट करने के लिए WDV लिखूं या कॉस्ट लिखूं अगर सेपरेट लेजर नहीं बन रहा तो मशीनरी कितने से क्रेडिट WDV के अमाउंट से किस दिन की WDV के अमाउंट से ऑन द डेट ऑफ डिस्पोजल ऑन द डेट ऑफ डिस्पोजल लेट्स अज्यूम
मशीनरी हेड है WDV ऑफ 4,80,000। आप इसकी वो एंट्री बोले जो आपको पता है। अरे करें एक बार सही कर दें, मशीनरी क्रेडिट डिस्पोजल डेबिट, डिस्पोजल डेबिट मशीनरी क्रेडिट, सीधा करके बोले तो डिस्पोजल डेबिट मशीनरी क्रेडिट। मैंने आपके सामने नया काम क्या किया? मैंने आपके सामने क्या नया काम किया? मैंने डिस्पोजल वर्ड्स नहीं लिखे, बाकी मैंने वही किए। कितना कैश आ रहा है? कितने वाला एसेट जा रहा है? तो मैंने वही डेबिट क्रेडिट किया है जो होता है, लेकिन क्या वर्ड्स नहीं लिखे? डिस्पोजल अकाउंट, डिस्पोजल अकाउंट वर्ड्स अगर मैं लिख दूं तो क्या फिर डिस्पोजल अकाउंट का अपना लेजर खुल जाएगा? तो वो भी खोलेंगे कब? लेकिन अगर लेजर्स आर रिक्वायर्ड तो ये डबल एंट्री कैसे पूरी करेंगे? कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट, दूसरी वाले डिस्पोजल डेबिट मशीनरी क्रेडिट, और फिर डिस्पोजल अकाउंट बनाएंगे। हिम्मत करें जरा, कैश ढूंढने किधर आएगा? डिस्पोजल अकाउंट में कैश किधर आएगा? क्रेडिट साइड पे 5,00,000 कर दे हिम्मत। मशीनरी किधर आएगी? डिस्पोजल अकाउंट में डेबिट साइड पे 4,80,000। जहन में बैलेंस करने की कोशिश करें, कितने वाली मशीनरी कितने की बेच दी है? 20,000 लॉस हो गया, सीधा सा गेन हो गया, चाहे जब मैं जो मर्जी कहता हूँ। कैश ज्यादा है, किधर नजर आ रहा है 20,000 आपका? क्रेडिट बैलेंस किधर नजर आ रहा है? लेजर में डेबिट साइड पे, लेजर में ऑपोजिट साइड पे बैलेंसेस अपनी नेचर के नजर आएंगे। तो अगर मैंने डिस्पोजल वर्ड लगा दिया तो फिर गेन लॉस डिस्पोजल अकाउंट के अंदर जाके पता चलेगा। गेन कितना है? 5,00,000 या 4,80,000? गेन 20,000 है, फिर वो लेजर के अंदर जाके निकलेगा। लेकिन अगर मैं डिस्पोजल वर्ड ना लगाऊं तो जरा बोर्ड पे देखा जरा, कैश डेबिट 5,00,000, मशीनरी क्रेडिट 4,80,000, मेरी ये एंट्री बैलेंस नहीं है। आप बताएंगे मेरी ये एंट्री किधर से बैलेंस नहीं है? तो कौन सी अमाउंट्स ज्यादा है, डेबिट अमाउंट ज्यादा है या क्रेडिट अमाउंट ज्यादा? डेबिट अमाउंट्स ज्यादा है। डिफरेंस किन अमाउंट्स में लिखूं तो ये एंट्री बैलेंस हो जाएगी? कभी आपने कोई कंपाउंड एंट्री पहले जिंदगी में देखी? कभी क्या होती है कंपाउंड एंट्री? दो से ज्यादा हेड्स होते हैं लेकिन अमाउंट का सम सेम होता है। मशीनरी डेबिट, कैश क्रेडिट, क्रेडिटर क्रेडिट, आज तक इत्तेफाक जहन में देखने का नहीं हुआ, वैसे लिखित हुआ हुआ। तो मैं वंस अगेन क्या करने लगा हूं, इस एंट्री को बैलेंस करने लगा। कैसे करूं? 20 किधर लिखूं? क्रेडिट साइड में, क्रेडिट अमाउंट्स में। ये असल में साइड कहना जरा गलत तरफ हमें ले जाएगा। ये को मैं लेजर बना रहा हूँ, ये को मैं एंट्री लिख रहा हूँ। क्रेडिट अमाउंट्स में कमी है या डेबिट अमाउंट्स में कमी है, कौन सी अमाउंट ज्यादा? चलिए बताओ, डेबिट अमाउंट ज्यादा है कितने से? तो ये 20,000 क्रेडिट अमाउंट्स में डिफरेंस है। बताएं ये गेन है या लॉस है? ये गेन है, तो गेन तो डेबिट होता है, क्या ये सीधा गेन निकला है? क्या लेजर बनाए बगैर ही एंट्री में गेन निकल आया? क्या ये गेन प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा? हम कैसे कह सकते हैं ये गेन है? नंबर एक तो कैश ज्यादा है, और नंबर दो गेन क्रेडिट अमाउंट होती है। अगर इस तरह हो जाए कि मशीनरी की WDV थी 5,30,000, इस साइड जरा मैं बार बार स्ट्रेस करूंगा, साइड से हमने गलत तरफ निकल जाना, मतलब साइडें यकीनन होती हैं लेकिन लेजर में, तो थोड़ा सा अगर हम वर्ड सही कर लें ताकि गलत तरफ ना निकलने कहीं, खुदा ना खास्ता। क्योंकि अगर हम साइड कहेंगे ना तो प्रॉब्लम ये है, कंसंट्रेट कीजिएगा जरा, डिस्पोजल अकाउंट की डेबिट साइड पे फिर गेन आता है, लेजर में क्रेडिट बैलेंस जो है वो फिर डेबिट साइड पे लिख के लेजर बैलेंस होता है। तो वो लेजर में क्रेडिट बैलेंस तो होता है लेकिन वो डेबिट साइड पे आया होता है, और लॉस किधर लिखा होता है? क्रेडिट साइड पे होता है डेबिट बैलेंस। तो लेजर इसलिए नहीं,
जरा 1 मिनट वापस आया जरा। बताइए 20,000 क्या है? और ये तो क्रेडिट साइड पे है, लॉस हुआ ना। अब ये क्रेडिट साइड अगर कहेंगे तो लेजर बन जाना चाहिए, तो क्रेडिट साइड नहीं है ये, कोई क्रेडिट साइड नहीं है ये, क्रेडिट अमाउंट। क्या कैश डेबिट अमाउंट है? हिम्मत हिम्मत, डेबिट अमाउंट है। मशीनरी क्रेडिट अमाउंट है। क्या ये 20 भी क्रेडिट अमाउंट है? तो क्रेडिट अमाउंट किसकी होती है? गेन्स की, प्रॉफिट्स। और डेबिट अमाउंट किसकी होती है? तो अगर ये दो चीजें लिख के, कौन सी दो? कैश और WDV, डिस्पोजल वर्ड हटा के एंट्री बैलेंस कर ले, तो इसी एंट्री में क्रेडिट अमाउंट रिफ्लेक्ट्स गेन, गेन लॉस। लेकिन अगर ऐसे हो जाए, अब सही वर्ड्स के साथ बोलिएगा, लेट्स नेम WDV 530 थी और 5 लाख की बिकी बैलेंस, फिर मेरा खलनाक है। डेबिट बैलेंस किधर नजर आएगा लेजर में? बैलेंसेस कहाँ होते हैं लेजर्स में? तो डेबिट बैलेंस तो फिर क्रेडिट साइड पे होता है। तो अभी बैलेंस डेबिट अमाउंट सही है। किधर फर्क है एंट्री का कि किधर लिख के इस एंट्री को सेम किया जाए, बराबर हो जाएगा? डेबिट अमाउंट कम, तो डेबिट अमाउंट क्या रिफ्लेक्ट कर रही है? गेन। क्या कैश कम आया? तो अगर कैश कम आ रहा होगा तो ऑटोमेटिकली डेबिट अमाउंट कम होंगी, सोचना। अगर कैश कम है, WDV ज्यादा, तो कौन सी अमाउंट कम होगी? जो डेबिट्स होंगे वो कम होंगे। कैश कम डेबिट हुआ होगा तो लॉस है, और अगर कैश ज्यादा डेबिट हुआ होगा तो गेन। नहीं बन रही बात? इस केस में बता दें गेन है लॉस है? गेन है लॉस है, तो क्या लॉस फिर ऑफ लॉस होगा? क्या लॉस हो या गेन ऑफ लॉस में जाएंगे सर? तो सर मेरी जो बात हो रही है, अब उसको जरा जरा सम अप करके फाइनल करता हूँ। अगर एग्जामिनर लेजर मांग रहा हो, रिक्वायरमेंट में लेजर्स है, सर मेरी भी सुन के देखिएगा। अगर एग्जामिनर लेजर्स मांग रहा है तो हम डिस्पोजल की एंट्रीज करते हुए डिस्पोजल अकाउंट वर्ड इस्तेमाल करेंगे वैसे ही जैसे रोज कर रहे थे। कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट, दूसरी बोले जल्दी। और कंसंट्रेशन से सोचते हैं, रिलैक्स होकर सोचते हैं। अगर आप डिस्पोजल वर्ड लगा लेंगे तो अब इन एंट्रीज के अंदर गेन लॉस नहीं है। कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट 5 लाख और डिस्पोजल डेबिट एसेट क्रेडिट 480 कह लें या 530 कह लें, अब गेन लॉस का पता कहां चलना जाके? लेजर में जाके, लेजर में जाके गेन लॉस पता चल जाएगा। लेकिन लेजर में जाके गेन लॉस सब निकालेंगे अगर लेजर्स रिक्वायर्ड है, और अगर वो हमसे कहे कि एंट्रीज करें लेजर्स नहीं रिक्वायर्ड है, तो हम बस क्या करेंगे? सेम काम करेंगे जो हम पहले करते हैं। क्या करते हैं? कैश डेबिट करते हैं, एसेट क्रेडिट करते हैं। कौन से वर्ड जहन से निकाल देंगे? उन वर्ड्स को जहन से निकाल के अपनी एंट्री को बैलेंस कर लेंगे। अगर डिफरेंस क्रेडिट अमाउंट्स में आ गया तो गेन होगा, और अगर डिफरेंस डेबिट अमाउंट्स में आ गया तो लॉस होगा। हजम ने मेरी बात? हम उसी तरह कर लेते हैं, गेन वाली बात अच्छी सी बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 480,000 मशीनरी है, और बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट अमाउंट्स में है या डेबिट अमाउंट्स में है? तो ये क्या है? गेन है जो प्रॉफिट लॉस हो जाएगा। क्या हमारी इस अकाउंटिंग एंट्री के अंदर गेन लॉस आ गए? तो अकाउंटिंग एंट्री के अंदर गेन लॉस आने का तरीका क्या है? डिस्पोजल वर्ड जहन से निकाल दिए, लेकिन फॉरन डिस्पोजल अकाउंट वर्ड कब जहन में आ जाए? अगर लेजर बना, तो फिर लेजर बना के लेजर बैलेंस करके गेन या लॉस निकला। तो इन अदर वर्ड्स, गेन या लॉस फाइंड आउट करने का दो तरीके होंगे एंट्रीज करके। नंबर एक, डिस्पोजल अकाउंट वाली एंट्रीज करके लेजर बना के गेन या लॉस लेजर के अंदर निकाल लें, या क्या करें, या क्या करें, एक कंपाउंड एंट्री करें। क्या मेरी इस एंट्री में डेबिट क्रेडिट की सेंस सेम है? क्या कैश आ रहा है, क्या एसेट जा रहा है? सिर्फ कौन से वर्ड जहन से निकाल देंगे? तो डिस्पोजल वर्ड निकाल के अगर आप बैलेंस करेंगे तो डिफरेंस कैन आइदर बी गेन और लॉस, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन के डिफरेंस किन अमाउंट्स में आ रहा। क्या हमेशा ये गेन ही आया करेगा? तो इससे जरा कंक्लूड कर लेते हैं, डिफरेंस किन दोनों का डिफरेंस, किन दो हेड्स का डिफरेंस, कैश और मशीनरी, डिफरेंस कैन आइदर बी गेन और लॉस। लिखे अब डेफिनेटली बीच में मैंने जरा खाली जगह इसलिए छोड़ी थी कि आपके जहन में डिस्पोजल वर्ड आ जाए,
लेकिन ये खाली जगह छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। या ऑनलाइन स्टूडेंट्स का बेटा आपको समझ आई बात में? ये बड़ा मेरे ख्याल इस वक्त आवाज का इशू कोई नहीं है, तो काइंडली अगर रीज्वाइन करके देख लें। जब भी कभी अकाउंटिंग एंट्री लिखें तो हमेशा डेबिट क्रेडिट बोल के लिखें। ऐसी एंट्री को क्या कहते हैं जिसमें दो से ज्यादा हेड्स आ जाएं? जी रेडी सर? जी जी सर। जी बेटा कैश डेबिट होगा, मशीनरी बस क्रेडिट होगी। कैश डेबिट कैश से, कैश की अमाउंट सेल प्रोसीड से, मशीनरी क्रेडिट WDV से, और बस आपने एंट्री बैलेंस करनी। तो कैश के नीचे ही तो बेटा ये सब कुछ आया है, मशीनरी आ गई। क्या एस कैश आ रहा है? एसेट बेचें तो कैश आता है, क्या जाता है? जाता है सर। एसेट कितने से जाता है अगर नो सेपरेट लेजर फॉर क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन हो? ये अब इकट्ठे हो गए प्लीज। राइट साइड में देखें सर, बट व्हाट शुड बी द ओनली डिफरेंस? नहीं सर, एक मिनट, मैं एक एक रेफरेंस लिखूंगा, आपने पुरानी एंट्रीज बोलनी है। कैश डेबिट accumulated depreciation debit, accumulated depreciation debit, ये हुई है कभी एंट्री accumulated depreciation debit? कभी होती है सर? किस अमाउंट से होती है? क्या हम घर से ये बताने आए हैं कि हमें नहीं पता ये एंट्री किस अमाउंट से होती है? accumulated depreciation की अमाउंट से, और किस अमाउंट से होनी है? हाँ, कब से कब तक की अमाउंट से? जी एंट्री बोले दोबारा। एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। क्या एसेट क्रेडिट होता है अगर नो सेपरेट लेजर हो? क्या एसेट क्रेडिट होता है अगर नो सेपरेट लेजर हो? किस अमाउंट से? कॉस्ट से। किस दिन की कॉस्ट से? कॉस्ट होती है उस दिन की जिस दिन हमने खरीदा हो। कॉस्ट नहीं बदलती, बदल तो जाती है, हमारे लिए नहीं बदलेगी जिस परचेज प्राइस पे हमने ले लिया। ठीक है, तो परचेज डेट की कॉस्ट है। कैलकुलेटर पकड़ दो, बल्कि एक सेकंड, सॉरी, कैलकुलेटर पकड़ने से पहले दोबारा देखें गौर से, क्या मैंने किया वही है सवाए डिस्पोजल वर्ड लिखने के? बोल दे मैंने क्या किया। मैंने कैश डेबिट किया है, डिस्पोजल छोड़ दिया। दूसरा देखें, मैंने क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट किया है, डिस्पोजल छोड़ दिया। तीसरा देखें, मैंने डिस्पोजल डेबिट छोड़ दिया है, मशीनरी क्रेडिट कर दिया। ऐसे ही है। बैलेंस करने से पहले काम जरा करें, जरा इस मशीनरी की कॉस्ट क्या है? क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है? 120 बेटा, 120 है। WDV कितनी है? WDV कैसे आती है? कॉस्ट कितनी है? एक्युमुलेटेड एप्रिसिएशन WDV 480, 480 गेन। कैश कितना है? गेन है, लॉस है?
अगर गेन है तो किधर होना चाहिए, क्रेडिट अमाउंट्स में, क्रेडिट अमाउंट्स चेक करें, मेरी एंट्री किधर से बैलेंस नहीं है चेक करें ना, कैलकुलेट करके देखें जरा, सोचो 5 लाख जमा 1,20,000, सीधी सी बात है ये कोई कैलकुलेशन करने वाली है, कमाल है किधर 6,20,000 है डेबिट अमाउंट्स में, किधर 20 और होना चाहिए क्रेडिट अमाउंट्स में, गेन है लॉस है, गेन है लॉस है। एक एक काम जरा करें, मेरी लेफ्ट एंट्री और राइट एंट्री में क्या फर्क है, सिर्फ सेपरेट लेजर का फर्क, सिर्फ सेपरेट लेजर का फर्क। तो अगर आपने लेजर्स ना बनाने हो, लेजर्स रिक्वायर्ड ना हो और डिस्पोजल की एंट्री कर रहे हो और सेपरेट लेजर सिचुएशन हो, तो आप क्या 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 ध्यान में रख के एंट्री बैलेंस कर देंगे, कैश डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, एसेट क्रेडिट। बिल्कुल सही है आपकी बात, इन अदर वर्ड्स वंस अगेन डिस्पोजल वर्ड्स गायब कर देंगे और इंशाल्लाह गेन लॉस अकाउंटिंग एंट्री के अंदर ही कैलकुलेट हो जाएगा। अगर डिस्पोजल वर्ड्स लगा लेंगे एंट्री में तो फिर गेन लॉस कैलकुलेट करने के लिए डिस्पोजल अकाउंट का लेजर बनेगा, और अगर हम वो लेजर्स बनाने में इंटरेस्टेड नहीं है तो डिस्पोजल का वर्ड लगाना छोड़ देंगे। क्या बाकी सब कुछ यही है, लिखें फाइनल करें, और वंस अगेन डिफरेंस कैन आइदर बी, डिफरेंस कैन आइदर बी गेन और लॉस। जी बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स कुछ क्लियर हो गए, लेफ्ट साइड देख के बताएं मेन असल में कौन से दो हेड्स हैं इस गेन लॉस के कैलकुलेशन में, मेन कौन से दो हेड्स हैं, कैश और एसेट। लेकिन अगर राइट साइड पे देखा जाए तो कौन सा एक इजाफी क्यों है, क्योंकि एसेट पे कॉस्ट पे आ गए तो उसे WDV बनाने के लिए क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी एक हेड अपीयर होगा। तो मेन ये हेड्स हैं जिन्हें ज़हन में रखें, गेन लॉस में बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट होना, ये क्या मतलब हुआ बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट होना, हमें क्या पता, नोट कर लिया आपने, नोट कर लिया सर, जरा ऑल्टरनेटिवली जरा देखें जरा बोर्ड पर, कैश है 3 लाख, मशीनरी की WDV है 4 लाख, मेरी एंट्री बैलेंस करवाए किधर डिफरेंस आ रहा है, डेबिट अमाउंट्स में कमी कमी आ गई है, ये लॉस क्यों है, वो तो ठीक है वो तो आ रहा है कैश कम मिला, मतलब लॉजिकली भी देखते जाए ना कैश कम मिला तो लॉस ही है, और अल्हम्दुलिल्लाह लॉस उधर ही आ रहा है जिधर होना चाहिए, किधर आ रहा है उसकी डेबिट अमाउंट होना चाहिए। ठीक है सर, तो एंट्री असल में ये है, क्या कैश डेबिट करना है आपने और एसेट क्रेडिट करना है, किस अमाउंट से, WDV से, किस दिन के WDV से, एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल। ये दो काम आपने कर लेने हैं, गेन लॉस कैसे पता चल जाएगा, कैलकुलेटर पे बैलेंस करके बैलेंसिंग फिगर आ जाए। ठीक है, बैलेंसिंग से मुराद मेन दो चीजें लिख लें, फिर जो भी डिफरेंस होगा इट कैन आइदर बी अ गेन और लॉस। जरा राइट साइड पे देखें, फॉर एग्जाम्पल मशीनरी की कॉस्ट थी 2,50,000, इसकी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो चुकी थी 40,000। ठीक है, लेट्स अज्यूम कैश मिला है 3,75,000, कैलकुलेटर पकड़ूंगा, अच्छा ये कोई रट्टा लगाने की जरूरत नहीं थी कि अब लॉस ही निकलना था, ये हो सकता फिर गेन आ गया हो, तो जो आ रहा है वही आ रहा है, कोई इशू नहीं है। WDV बताएं इस मशीनरी की,
और साजी WDV बता दें 2.5 लाख कॉस्ट है, 40,000 क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन है, 2,10,000 के है। WDV ये कितने का बेचा है? 3,75,000 का, तो 1,65,000 गेन बनता है। किधर लिखो? क्रेडिट अमाउंट्स में गेन, ठीक है? ठीक है, ऑपोजिट साइड पे देखें, फर्स्ट ने कैश आया था 1,50,000, अब करें जरा बैलेंस। कॉस्ट कितनी है? 2.5 लाख, 40,000 क्या है? एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन, डिफरेंस क्या है? मैंने नहीं सॉल्व करना, मेजॉरिटी कमीशन ये है, मैं तो नहीं करूं, मैं तो ना जवाब मैं ना देता, आज जो मर्जी कर ले मैं नहीं करना, जिसे जो जो करना चाहे वो कर ले, मैं तो नहीं, मैं तो बैठा हूं। आप दबा दबा लें कैलकुलेटर की तरफ, तो जा रहे हैं, शदीद खतरा है। कॉस्ट कितनी है सर? 2.5 लाख। एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है? WDV कितनी है? बेचा कितने का है? बैलेंस करें एंट्री, किधर किधर किधर, तो गेन आ गया। क्यों लॉस आ गया? क्योंकि है ही लॉस, क्योंकि है ही लॉस, क्या उधर ही आ रहा है जिधर आना चाहिए? तो ये हमें कैसे पता चलेगा गेन है लॉस है? हमें सोच के पता चलेगा, हमें सोच के भी पता चलेगा, और डिफरेंस जिधर आ रहा होगा वो ऑटोमेटिकली हमें बता रहा होगा कि मैं गेन हूं या लॉस हूं। अगर डिफरेंस आ रहा होगा क्रेडिट कॉलम में, तो वो गेन आपको पुकार पुकार के क्या कह रहा होगा कि मैं गेन हूं, वो गेन आपको पुकार पुकार के। और अगर डिफरेंस डेबिट अमाउंट्स में आ गया, तो आप उसकी पुकार सुन लेंगे कि वो गेन है, आप हरगिज ना सुनेगा वो लॉस है। डेबिट अमाउंट्स में डिफरेंस की पुकार हरगिज गेन की नहीं होगी, वो क्या पुकार रहा होगा कि मुझे क्या समझा जाए। बाकी बारे लॉजिकली क्लियर रखें, गेन लॉस आना कैसे, WDV और कैश कंपेयर करके, कैश ज्यादा होगा तो क्या होगा और कैश कम होगा तो क्या होगा। तो ये वाला काम बेटा तब करेंगे मस्टर। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 देखें, देखो पेज नंबर 37 पर, क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 37 स्टार्ट। रिक्वायरमेंट आपके पास लिखी है, प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड डिस्पोजल अकाउंट, लिखा हुआ सर। फर्स्ट ने इसी लिखा था प्रिपेयर अकाउंटिंग एंट्रीज, यही डाटा अकाउंटिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015। हम फिर क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, देखिएगा जरा गौर से सुनिएगा, थोड़ा सा डाटा पीछे जाए जरा। हम क्या करते हैं, क्या कोई नया सेट इस साल आया सर? कोई आया सर? सर यकीन माने आया सर, 25,000 का आया। हम क्या करते हैं, हम जर्नल बनाते और लिखते मशीनरी डेबिट कैश क्रेडिट, लेजर बनाते, जर्नल बनाते, जर्नल बनाते, फिर एक एसेट गया है मशीन नंबर 2 ढूंढने जरा, मशीन नंबर 2 डिस्पोज हुई है, फिर हम क्या करते, हम ढूंढते कैश कितना आया, आपको पता कितना आया, नजर आ रहा है, नजर आ रहा है, नजर आ रहा है 12,400। मैं क्या करता, कैश डेबिट करता, लेकिन कौन सा वर्ड ना लगाता, डिस्पोजल वर्ड ना लगाता। फिर मैं क्या ढूंढता, मशीनरी क्रेडिट ढूंढे, मशीन नंबर 2 20,000 की ढूंढे, सर ढूंढे सर, मैं मशीनरी 20,000 से क्रेडिट कर देता। फिर मैं आपसे पूछता यार ये कब से कब तक यूज हुई है, तो आप मुझे बताते कि ये 1 जुलाई 2013 से लेके 1 अक्टूबर 2015 तक हुई है, बता देते सर। मैं कहता यार इसकी वर्किंग करा दें, हम इसकी वर्किंग करवा देते एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन की। फिर मैं क्या कहता, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन के वो सामने अमाउंट लिख लेता और डिस्पोजल वर्ड इग्नोर रखता। ये 3 काम करने के बाद मैं आपसे क्या कहता, कैलकुलेटर उठा लें, और आप मेरे कहने पे यकीनन उठाते, और आप क्या करते, मेरी एंट्री बैलेंस कर देते, मैंने भी लिखी नहीं फिगर्स, अगर मैं कहते तो मैं लिख देता हूँ, लेकिन अगर मैंने ये 3 लिख ली हूँ, कौन कौन सी 3 चीजें, कैश एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन और मशीनरी, तो हमारी एंट्री के अंदर ही गेन आ जाना था। तो ये वाला काम कब करना है, कोई एक दफा आप रिपीट कर लेना, जब लेजर्स रिक्वायर्ड नहीं है तो फिर हम लेजर्स खोलने की बजाय जर्नल बना के जर्नल एंट्रीज कर, ठीक है? आई होप, क्या चले फाइनली आपसे पूछता हूँ, क्या मैंने कोई नया कॉन्सेप्ट आज डिस्कस किया, या उसी कॉन्सेप्ट को एक नए तरीके से शायद डिस्कस किया? मतलब नया कॉन्सेप्ट फिर ये होता है कि कैश अगर आ रहा है तो क्रेडिट होगा, मशीनरी जा रही है तो डेबिट होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोई ऐसी साइंस नहीं लड़ाई, सिर्फ मैंने ये कहा है कि अगर डिस्पोजल वर्ड जहन से निकाल दिए जाए तो हमारी इस कंपाउंड एंट्री के अंदर ही गेन लॉस पता चल जाता है, और ये काम हम तब करेंगे When the ledgers are not required, ठीक है सर? तो यहां तक कंडीशन नीचे लाइन लगा लो।
ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है सर? नहीं दोस्ती सर जी, मुबारक हो और मेरे सामने मुबारक हो आज, लेकिन एक नेक्स्ट हेडिंग लिखें, एक्सचेंज ऑफ एसेट्स। एक्सचेंज ऑफ एसेट्स, पुराना एसेट दे के, कोई पुराना एसेट दे के अगर नया एसेट ले लिया जाए तो इस स्टोरी को क्या कहेंगे? एक्सचेंज ऑफ एसेट्स। इसको समझने के लिए जरा एक एग्जांपल लिखा, मैं लिख रहा हूं, कल मेरे साथ साथ लिखें। एन ओल्ड मशीन कॉस्टिंग रुपीज 750,000 having accumulated appreciation of an old machine costing 750,000 having accumulated appreciation of 6 rupees 6 lakh is exchanged with a new machine costing 5 lakh. An old machine costing 750,000 having accumulated depreciation of rupees 6 lakh is exchanged with a new machine costing rupees 5 lakh. Business paid rupees 380,000 cash to settle the transaction. जी मिस्टर जरियाब क्लास ले रहे हैं? बिजनेस पेड 3,80,000 कैश टू सेटल द ट्रांजेक्शन। जी सर जी, जरा लिख रहे समय स्टोरी की जरा ट्रांसलेशन कर लें अपने सर में, कंसंट्रेट कीजिएगा फुल, ये सब कुछ आपने करवाना है जो मैं आगे करने लगा हूँ। आप माशाल्लाह अकाउंटेंट बन गए हो आप, तो सारी अकाउंटिंग आपने करवानी है, सिर्फ जरा पढ़ लें हुआ क्या है, क्या हो गया है। पुरानी मशीन की कॉस्ट क्या थी? 7,50,000। क्या कुछ अरसा इस्तेमाल हुई थी? कितने रुपए डेप्रिशिएट हो गई थी? पुरानी मशीन की WDV कैलकुलेट करवाए, नीचे एक वर्किंग लिखा था, कॉस्ट माइनस accumulated appreciation is equal to 150.
कॉस्ट माइनस एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन, कितने की ये मशीन रह गई थी जब फिर इसे एक्सचेंज किया, जब 1,50,000 की रह गई थी इस्तेमाल के बाद फिर इसको एक्सचेंज किया गया। आप इस तरह करें, ये मशीन अपनी समझे, क्या मतलब एक्सचेंज किया गया, मतलब प्रैक्टिकली स्पीकिंग अब इस मशीन को आप लेके कहीं जा रहे हैं, किसी सप्लायर के पास गए हैं और अपनी ये वाली मशीन पकड़ाई और उसकी जगह कौन सी मशीन ली, नई मशीन ली, और उस नई मशीन की कॉस्ट है 5 लाख। उसने हमें 5 लाख वाली मशीन क्यों दे दी? अगली लाइन पढ़े। हमने कैश कितना दिया, ये क्या बात है? हमने क्या क्या दिया? 1.5 लाख WDV वाली मशीन और 3,80,000 कैश, ये हमने दिया दिया सर। और उसके बदले हमने क्या लिया? तो हमने ये क्यों लिया, हमने क्या क्या दिया और उसके बदले हमें क्या मिला, ये क्या हुआ? ये बात पूरी तो नहीं बन रही, बात बन रही। हमने क्या क्या दिया, क्या क्या दिया? 3,80,000 कैश दिया, 1.5 लाख WDV वाला वाली मशीन दी, सॉरी, तो 3,80,000 लिखें कैलकुलेटर, बताओ हमारे कितने रुपए वाले एसेट गए? 5,30,000 कैश भी गया, मशीन भी गई 1.5 लाख की, हमें उसके रिजल्ट में क्या मिला? सिर्फ 5 लाख की मशीन। ये क्या हो रहा है? हमने लॉस क्यों बर्दाश्त किया होगा, सवाल तो ये पैदा होता है कि हम बिजनेस कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, वैसे थोड़ी और हमने गवर्नमेंट पर लॉस बर्दाश्त कर लिया। असल में जो यहाँ चीज समझने वाली भी है, दोबारा जरा विजुलाइज कीजिएगा आंटी, हम जब ये मशीन लेके गए होंगे सप्लायर के सामने रखी होगी, तो सप्लायर ने हमसे इसकी WDV नहीं पूछी होनी और ना हमने बताई होनी है। सप्लायर ने क्या देखा होना है कि इस मशीन की जो हमने पकड़ाई है इसकी मार्केट वैल्यू क्या है, किस दिन हम ये मशीन उसे दिखा रहे हैं, तो इसका क्या देखा गया होगा, मार्केट वैल्यू। और हम भी मान गए होंगे क्या देखे, मार्केट वैल्यू। हाँ, हमारे जहन में जरूर आया होगा कि इसकी WDV तो 1.5 लाख, लेकिन आप मेरी स्टोरी में से बता सकते हैं देखे कि इसकी मार्केट वैल्यू क्या लगी है, मार्केट वैल्यू क्या लगी है? हमें नई मशीन मिल रही है 5 लाख की, हम कैश कितना दे रहे हैं? 3,80,000, तो हम 1,20,000 कम कैश क्यों दे रहे हैं? नई मशीन कितने की सर? कैश कितना पकड़ा रहे हैं? कितना कम दे रहे हैं? कैलकुलेट, ना, वो मैंने बताया गलत आया। नई मशीन कितने की? कैश कितना दिया? कितना कम कैश दिया? उसने कम क्यों लिया? हमने तो दिया, चले ठीक है, हम नहीं देना चाह रहे, उसने कम क्यों लिया? तो उसने मशीन ली तो 1.5 लाख वाली ली, वो तो WDV है। तो असल में इस ट्रांजैक्शन में मार्केट वैल्यू क्या लगी होगी, 1,20,000, वो कैसे, हम कैसे श्योरिटी से कह सकते हैं? बिजनेस ट्रांजेक्शन हो रही है सर, कमर्शियल डिसीजन हो रही है, कोई एक दूसरे के साथ कुछ चैरिटी वाली बात तो है नहीं, वो तो अकेला चीज है, लेकिन अगर बिजनेस हो रहा है तो आपकी पूरी कोशिश होगी कि आप मैक्सिमम गेन कमाएं, उसकी पूरी कोशिश होगी। तो क्या देखा गया होगा असल में, ये नहीं देखा होगा कि मशीन आपकी बुक्स में कितने की है, देखा यह होगा इसकी मार्केट वर्थ कितनी है। तो 5 लाख की मशीन हम ले रहे हैं, 3,80,000 कैश हम दे रहे हैं, 1,20,000 हम कम कैश क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हम पुरानी मशीन दे रहे हैं, लेकिन पुरानी मशीन की तो WDV हमारी बुक्स में 1.5 लाख है, लेकिन लग क्या रहा है कि उसकी मार्केट वैल्यू 1.5 लाख की बजाय 1,20,000 है। तो क्या देयरफॉर हमें नुकसान उठाना पड़ रहा है? इसको इस तरह से सोचें, फर्ज करें ये पुरानी मशीन हम एक्सचेंज की बजाय बेच देते, तो 1,50,000 WDV है, इसी सारी स्टोरी में बताएं वो कितने की बिकती, 1,20,000 की बिकनी थी।
जरा इसको इस एंगल सुने, जरा गौर से सुनिएगा। एक ये तरीका हो सकता था कि हम इसे 1:20 की बेच देते कंसंट्रेट हो रहा, और 1,20,000 कैश पकड़ के जेब रख लेते, और 3,80,000 यहां से निकाल के यहां पूरा करते, और 5 लाख पूरा करके क्या करते, नई मशीन के गेंस पकड़ लो। तरतीब से बोले जरा, क्या कर सकते थे हम? पुरानी मशीन 1,20,000 की बेच देते जो उसकी मार्केट वैल्यू है, और 1,20,000 जेब में रख लेते। अब नई मशीन लेना चाहते हैं और नई मशीन 5 लाख की है, तो 3,80,000 निकालते, 5 लाख पूरा करते। 5 कैसे पूरा हो गया? 3,80 निकाल कर 1,20,000 वहां से ले लिया, तो इस 5 लाख को पकड़ाते और नई मशीन ले लेते। और क्या मैं ये कह सकता हूं फाइनली कि रादर देन कि हम 1:20 लेते और फिर पकड़ाते, ऐसे ही होता ना, 1:20 पकड़ते, 3,80 उठा के यूं करके दे देते। हमने क्या किया? हमने एक बार 1,20,000 ना लिया ना दिया, लेकिन क्या उसकी जगह कुछ दिया? पुरानी मशीन दे दी। तो पुरानी मशीन दे के कैश लिए बगैर और दिए बगैर, हमने लिए बगैर दिए, कौन सा लिए बगैर और कौन सा दिए बगैर? 120 पकड़ के दोबारा पकड़ाने की बजाय हमने अपनी मशीन पकड़ाई, 3,80 दिया। कितने वाली मशीन पकड़ाई? नहीं, 1.5 लाख वाली नहीं पकड़ाई, 1.5 लाख वाली नहीं पकड़ाई, 1:20 मार्केट वैल्यू वाली पकड़ाई। 7,380,000 पकड़ाया, टोटल कितना इकट्ठा हो गया? और नई मशीन मिली। लेकिन क्या मार्केट वैल्यू ऑफ द मशीन इज लेस देन द WDV? तो देयर फॉर गेन हो गया या लॉस हो गया? इस सिचुएशन लॉस हो गया। आपको कैसे पता चला कि गेन हुआ या लॉस हुआ? नहीं, मतलब आपको पता चला है, आपको पता चला है। अब आप उन फिगर्स के नाम सोचें जिन फिगर्स की बेस पे आप लॉस तक पहुंचे। आपने WDV को, नहीं सेल प्रोसीड वर्ड सही नहीं है, सेल प्रोसीड से मुराद होती कैश लेना, तो वो मिक्स हो जाएगा। अगर हम कैश में बेचेंगे तो सेल प्रोसीड कैश के लिए वर्ड। अब क्या देखा हमने? अब हमने WDV तो देखी है, लेकिन 1,20,000 कैसे कैलकुलेट हुआ? नहीं, वो मार्केट वैल्यू कैसे कैलकुलेट हुई है? आइए उस मार्केट वैल्यू को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बना लेते हैं। आपको पता है 1:20 वैसे कैलकुलेट कैसे हुआ है? आपने नई मशीन की कॉस्ट उठाई है, ठहरे ठहरे, आपने क्या उठाया सर? नई मशीन की कॉस्ट उठाई है, और आपने उसमें से क्या माइनस किया है? जो कैश पेड किया है, तो उससे क्या आया है? 1,20,000 आया है, वो है क्या? मार्केट वैल्यू ऑफ द ओल्ड मशीन, लेकिन उसका काउंटिंग में नाम दिया जाता है ट्रेड इन अलाउंस। ट्रेड इन अलाउंस एक वर्ड मैंने बोला है, लेकिन इसका सही मीनिंग क्या है? मीनिंग 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 मार्केट वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन, ओल्ड एसेट, मार्केट वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट। अगर आप ओल्ड एसेट की मार्केट वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं और वो गिवन नहीं है, तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? कॉस्ट ऑफ द न्यू मशीन, कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन में से माइनस क्या कर देंगे? जो आपने कैश पे किया होगा, किसमें से क्या लेस करके क्या निकाल लेंगे आप? मार्केट वैल्यू ऑफ द ओल्ड मशीन, और उसको अकाउंटिंग की लैंग्वेज में क्या नाम दिया जाता है? ट्रेड इन अलाउंस। आप लोग इस तरह लिखेंगे, ट्रेड इन अलाउंस के पहले सामने फॉर्मूला लिख लीजिएगा, ट्रेड इन अलाउंस वर्ड्स लिख के, फिर उसके नीचे अमाउंट लिख लीजिएगा, लेकिन ट्रेड इन अलाउंस को मार्केट वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट के एंगल से एक्सप्लेन कर दीजिएगा। और ये किस जगह करेंगे? कहीं जहां WDV लिखी है। तो ट्रेड इन अलाउंस एक बस टेक्निकल वर्ड है, जिसका सिंपली मीनिंग क्या है? मार्केट वैल्यू ऑफ कौन सी मशीन, पुरानी या नहीं, ट्रेड इन अलाउंस उसके लिए एक वर्ड है बस।
नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा है, हमारे ताल्लुकात बहाल हो चुके और फ्रेंडशिप भी बहाल हो गई है आपस में यार। ये ऑनलाइन स्टेटस बड़ा लिख लिया यहाँ तक, तो बारह तो नहीं लिखना शुरू हो गया WDV। तभी तक ना गेन का पता चला ना लॉस का पता चला। पता चल गया सर, गेन है लॉस है भरा कितना, 1,20,000। किनको कंपेयर किया है? सही वर्ड्स बोले, सही वर्ड, सही वर्ड, उनके नाम है, उनके नाम। तो इससे हम पता ये चला, आज से पता ये चला कि अगर हमने गेन लॉस ऑन एक्सचेंज फाइंड आउट करना है तो इट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेड इन अलाउंस एंड WDV। मैंने ट्रेड इन अलाउंस का वर्ड बड़ा जानबूझ के जरा पहले इसलिए लिखा है कि आप जरा थोड़ा सा बचपन जहन में लाके पिछले हफ्ते 10 दिन पहले से जरा ये बता सकते हैं नॉर्मल डिस्पोजल पे गेन लॉस कैसे आता है? सेल प्रोसीड्स एंड WDV, तो कौन सा वर्ड बदला है? कैश नहीं लिया, कैश नहीं लिया, कैश नहीं लिया, उसकी जगह एसेट ले लिया। ये मैंने सही कहा वैसे? एक अजीब सा सेंटेंस मैंने बोला कि 120 कैश लेने की बजाय 120 के बराबर नई मशीन भी लिए। जरा पीछे जाए, जरा कंडी पीछे जाए, ये 5 लाख की हमने मशीन ली है। देखे देखे देखे, 5 लाख की मशीन हमें मिली कैसे है? 3,80,000 तो कैश दिया है और एक बीस बगैर कैश दिए नई मशीन ली है। लेकिन बगैर कैश दिए क्या दे के, कैश की जगह क्या ले चला, कैश की जगह क्या दे के? ओल्ड मशीन कितनी मार्केट वैल्यू की दे के? तो ट्रेड इन अलाउंस 120, WDV 150। अगर ट्रेड इन अलाउंस मींस मार्केट वैल्यू ऑफ द ओल्ड एसेट कम है तो लॉस हो जाएगा, और अगर अगर मार्केट वैल्यू ऑफ द ओल्ड एसेट ज्यादा हो WDV से तो गेन हो जाया करेगा। इस केस में लॉस क्यों है? लॉस क्यों है? क्योंकि हमारी जो मशीन थी उसकी मार्केट वैल्यू कम है। आपको कैसा लग रहा है आपकी मशीन की मार्केट वैल्यू कम है? बहुत अच्छा नहीं लग रहा। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का, 1,20,000 लगी वाली, वो भी नहीं लगता हम क्या कर लेते, लेकिन मजा नहीं आया। नहीं मतलब मैं सबसे बेस्ट सेट जा रहा हूं, मैं सोच ही नहीं रहा क्या हमेशा लॉस आया करेगा, कब गेन भी हो सकता है, पूरे वर्ड बोलिएगा। गुड एफर्ट जी सर, ट्रेड इन अलाउंस अगर ज्यादा हो मार्केट वैल्यू, आप पुरानी मशीन लेके गए, नई मशीन पकड़ ली 5 लाख की, कुछ नहीं दिया, नहीं तो नई पुरानी मशीन की मार्केट वैल्यू क्या लगी होगी? 5 लाख पूरी, कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। तो क्या आपकी पुरानी मशीन उतनी ही की होगी जितनी की नई है? लेकिन क्या अदरवाइज भी हो सकता था? क्या कमी ज्यादती इसी दुनिया का मसला है? हो सकता है। एनी कंफ्यूजन सर, एक नजर रिवाइज कर लें, किसी के वर्ड में कोई परेशानी, कोई मेरी बात में कंफ्यूजन रह गई हो? बेटा फैसल, ये बड़ा अलमी है यार, अगर एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन ना दी हो तो बेटा कैलकुलेट कर लेंगे। कब से कब तक ही कैलकुलेट कर लेंगे? अच्छा अगर रेट ना दिया हो, अगर सवाल ही ना हो, सवाल होगा कुछ ना कुछ होगा, आप टेंशन ना लीजिएगा। अभी ये ना इस सेकंड में अगर सवाल ही ना हुआ तो इंशाल्लाह फिर हम कुछ नहीं, सवाल यकीनन होगा, हमारा काम सवाल सॉल्व करना।
एनी कन्फ्यूजन बना ली। चले सर जी, ये वाली बात तो अल्हम्दुलिल्लाह आई होप कि क्लियर हो गई है, डन है सर। लेकिन नेक्स्ट हमारा फिर मिशन स्टार्ट हो गया है, नेक्स्ट हेडिंग लिखे अकाउंटिंग एंट्रीज ऑफ एक्सचेंज ऑफ एसेट्स। मेरा भाई जरा कंडी चेयर का गैप जरा बढ़ाए, जरा इस बॉक्स के अंदर आना चाहिए, चेयर इस बॉक्स के अंदर, जल्दी जल्दी। अकाउंटिंग एंट्रीज ऑफ एक्सचेंज ऑफ एसेट, अकाउंटिंग एंट्रीज ऑफ एक्सचेंज ऑफ एसेट। अब इसमें भी बेटा दो पॉसिबिलिटीज बनेगी। नंबर वन, इफ लेजर्स आर रिक्वायर्ड, इफ लेजर्स आर रिक्वायर्ड इन क्वेश्चन, पहला सिनेरियो हो जाएगा इफ लेजर्स आर रिक्वायर्ड इन क्वेश्चन, और फिर दूसरा If ledgers are not required in question। अच्छा तकरीबन मैं 100% चले नहीं कहता, वैसे तो मेरा ख्याल है तकरीबन एंड में 100% ही बन जाना, क्लोज टू 100%। ये सारी स्टोरी वैसी है, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप करवाने की कोशिश जरूर करें। मतलब ये यूजलेस बहस हो जाएगी कि ऐसे ही वन साइड ट्रैफिक हो जाए, अगर आपकी तरफ से ओपिनियन है ना वो तो ज्यादा बेहतर है, आपको समझने भी जरा आसानी रहेगी जी। अब मैंने दोबारा सेंटर में एक लाइन लगा दी है, आपको पता है ये मैं सेंटर में लाइन कब लगा रहा हूँ आजकल, नो सेपरेट लेजर ऑफ एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और उधर क्या लिखूंगा, लिख के इकट्ठे हो जाएगा। फिगर्स में वही यूज करूंगा जो अभी हमने इस डेटा में यूज किए हैं, ये जो ऊपर जिसे गेन लॉस निकला, ठीक है। आप लोग इस तरह करें, ये बस हेडिंग्स लिख के वो वाला सफा सामने रख लें जिस सफे पे पुरानी ये समरी बनी हुई है, दूर जाए दूर जाए। और आपने मेरे सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज इफ एनी अगर है तो वो जरा आइडेंटिफाई करके बताना। एक ये उंगली रख लें, वहां एक उंगली रख लें, आना जाना जरा है, डेटा यहाँ है, कौन सा पेज ढूंढने लगे आप, क्वेश्चन नंबर वन से पहले जो पेज था जिसमें क्या हेडिंग लिखी हुई है, समरी ऑफ अकाउंटिंग एंट्रीज इफ लेजर्स आर रिक्वायर्ड। जी सर रेडी है सर, जी रेडी है सर, सफा गुम गया है, गुम चुका है, मिल गया है। हम डेफिनेटली लेफ्ट और राइट साइड को लेदर लेदर डिस्कस करेंगे, तो नो सेपरेट लेजर सिचुएशन है, अपने उस सफे पे पहुंच जाए, उस सफे पे पहली एंट्री देख के बोले मायूसी खत्म करें और एंट्री बोले सर। ये एंट्री बोलने के बाद जजाकल्ला, मैं एंड में बता दूंगा कौन भाई थे, उनको फिर देख के हंस लेंगे। कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट, ये एंट्रीज में रख के जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने डेटा आपको लिखवाया है उस डेटा को देखें, बताएं कितना कैश आया। और बेटा नहीं आया, अगर इस तरह करना है तो रहने दे, और नहीं आया कैश, नहीं आया कैश, आया ही नहीं है, जितना आया बताएं कितना आया। सर जी इस तरह ना करें सर, ये नहीं, इस तरह बात नहीं बननी, दिस इज नॉट द वे, यू नीड एक्स्ट्रा कंसंट्रेशन नाउ, फॉरगेट अबाउट कि किसने क्या पंगा लिया। व्हाट इज द फर्स्ट एंट्री दोबारा उधर,
अब एक्सचेंज वाली सेंट्री में ढूंढे कैश कितना है। अब इसका जवाब ये नहीं हो सकता, नहीं वो गया ठीक है गया, आया नहीं है, इसका मतलब पहली एंट्री मेरे लिए छोड़ दो, कैश इधर नहीं आया। अच्छा ये पता आपको आना कितना था, ये पता, हिम्मत करें हिम्मत, इसी एग्जांपल में, इसी एग्जांपल में आना कितना था अगर बेच देते, लेकिन बेचा नहीं, आया नहीं, एक्सचेंज किया, तो कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट यहां बात बन नहीं रही। दूसरी एंट्री देखें, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट मशीनरी अकाउंट क्रेडिट कितने से होता है, कितने से कितने से कितने से, उधर 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 ही उधर ही उधर ही, इधर नहीं उधर 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 उधर, पिछले समय में एंट्री किस अमाउंट से होती है, डब्ल्यूडीबी से, डब्ल्यूडीबी से होती है। अब आए ये ध्यान में रख के इस डेटा पे आए, जरा इस डेटा पे जो आज लिखा, क्या पुरानी मशीन गई है, नो सेपरेट लेजर सिचुएशन है, क्या ये वाली एंट्री जो आपने बोली है दोबारा बोला बगैर देखे बोला, ये वाली एंट्री करनी होगी, लेजर्स बनाने, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट मशीनरी अकाउंट क्रेडिट, क्या ये एंट्री करेंगे, डाटा देखें, डाटा देखें, डाटा देखें, 7.5 लाख से करेंगे, 6 लाख से करेंगे, 1.5 लाख से करेंगे, तो क्या पुरानी मशीन जा रही है, जा रही है सर, जा रही है सर, जा रही है सर, तो क्या ये वाली एंट्री एज इट इज रिपीट हो जाएगी, कौन सी यार, डिस्पोजल डेबिट मशीनरी क्रेडिट, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन द फिगर इज 120 150 120 150 120 150, आप लोग सही कह रहे हैं, डब्ल्यू डी वी या मार्केट वैल्यू, डब्ल्यू डी वी एट डब्ल्यू डी वी, किस दिन की डब्ल्यू डी वी, एट द डेट ऑफ एक्सचेंज कह लें, डिस्पोजल ठीक है, एक्सचेंज, अब एक्सचेंज करके डिस्पोजल आए, लिखे पहली लिख के लिए एंट्री के लिए जगह छोड़ा, एक एंट्री लिखा, लेकिन आना जाना जरा लगा रहेगा, आइडियल टाइम है सर, सवाल से बेचारा आया इसलिए था कि जैसी एक्सचेंज की दूसरी एंट्री हो जाए उसे देख के मुस्कुराया जाए, ना करो बेटा खुदा का नाम नहीं है, इतनी दूर से बेचारा आया। इतना आइडियल इन्वायरमेंट सवात का छोड़ के बेचारा लाहौर आया, इतनी गर्मी में क्या वो सास वाली की बातें सुनने लाहौर आया, जिसे नहीं डेंट डैडी, आपके मतलब डैडी की ख्वाहिश बस यही थी कि बेटा पैसे मंगवाई जाओ और लाहौर में बातें करी जाओ, अपने डैडी का नंबर दे देना इधर में जाते हुए बंदा, ये तैयार तो नीचे को है ठीक है, कटिए बैठा है ये नीचे बैठा, आप लोगों के रूम में है कटिए, कोई नहीं ये कैंडी किसी के ऊपर भेजिएगा इधर, नहीं वो नंबर ले लो ना, बाल में बोलना जाए, वैसे ही यार क्या हो गया, मेरे दोस्त हैं यार, नहीं प्रोग्रेस रिपोर्ट तो दे दो, नहीं सबका सबका टेंशन ना ले आप, एक एक करके जरा गेम शुरू हो जाए, बता दो जरा डैडी को कि बच्चे एंशियसली आजकल सिर्फ और सिर्फ इंतजार में है कि छुट्टियां कब होंगी, जी सर वापसी शुरू हो गई सर उसी पेज पे, पहली एंट्री कौन सी मैंने नहीं लिखी देख के बोलनी है, क्योंकि कैश नहीं आया, क्योंकि कैश नहीं आया, दूसरी एंट्री मैंने एज इट इज क्यों लिखी है, क्योंकि पुराना एसेट गया है, डिस्पोजल हुई है एट डब्ल्यूडीबी, इट मींस सेम डबल एंट्री रिपीट होगी, उधर वापस है बताएं, उधर तीसरी एंट्री कौन सी है, ढूंढना लीजिएगा, कोई तीसरी उधर नहीं है, कहां ढूंढा ये, कौन सी ढूंढी तीसरी उधर, उधर कोई तीसरी एंट्री नहीं है, उधर कोई तीसरी एंट्री नहीं है, अब आए जरा इधर वापस, उधर कोई तीसरी एंट्री नहीं, क्या इधर कुछ है, इधर सिचुएशन बेटा ये है, कंसंट्रेशन, फुल कंसंट्रेशन, इधर कैश तो नहीं आ रहा, एक्सचेंज में कैश नहीं आ रहा,
लेकिन कैश की जगह एक नई मशीन आ रही है। तो क्या नई मशीन फिर अब रिकॉर्ड होनी चाहिए पुरानी दे के उसकी डिस्पोजल, और नई की परचेज रिकॉर्ड होनी चाहिए? आगे करवाएं कैसे? अच्छा सॉरी एक सेकंड, छोड़े थोड़ी सी और चीज, जरा बात को थोड़ा क्लियर करने के लिए मैं उधर ओल्ड वर्ड लगा रहा हूँ, मतलब ये कंपलसरी नहीं है डेफिनेटली किस कौन सी मशीन जा रही है और कौन सी आ रही है, लेकिन जस्ट स्पेसिफाई किसकी डिस्पोजल, ओल्ड की, और उसकी जगह कौन सी डेबिट करूंगा, नई मशीन। आप गलत लिखिएगा देख के, पहले सिर्फ सुनिएगा समझिएगा। तो न्यू मशीन बताएं कितना डेबिट, न्यू मशीन कितने से डेबिट, कैश बताएं कितने से क्रेडिट, कैश बताएं कितने से क्रेडिट, मशीन कितने से डेबिट, कैसे नहीं? यकीनन मशीन होनी चाहिए डेबिट 5 लाख से, लेकिन मैंने लिखा 3 लाख 80 हजार से। क्या मैंने गलत किया? क्या मैंने गलत किया? 100% गलत किया। लेकिन मैंने गलत क्यों किया, एक छोटी सी बात समझाने के लिए। क्या इस कैश के अगेंस्ट वाकई मशीन 380 आई है? इस कैश के अगेंस्ट 3 लाख 80 हजार की मशीन ही आई है? मशीन पूरी 5 लाख की है, हमने को टुकड़ों में लिए। सिर्फ एक बात समझ लो, क्या बाकी 1 लाख 20 हजार वाली मशीन, बाकी बाकी 1 लाख वाली मशीन कैश ना लेके आई है? हिम्मत हिम्मत, अपने वर्ड अपनी जगह, मेरी भी सांसों सुनते रहिएगा। इस 5 लाख वाली मशीन का जो 1 लाख 20 हजार वाला हिस्सा है, 1 लाख 20 हजार वाला, क्या उनकी जगह उसके अगेंस्ट कैश लिया है या उसके अगेंस्ट मशीन ली है? मशीन ली। ये बड़ा हिस्सा भी हो सकता था, मतलब अकाउंटेंट बन गए प्लीज, अब ये सिर्फ पंगे हैं, नेट इफेक्ट इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, रिलैक्स रहिएगा जरा। क्या मैं इस तरह कर सकता हूँ, न्यू मशीन डेबिट 5 लाख? नहीं बेटा उसकी जरूरत नहीं है। न्यू मशीन डेबिट 5 लाख, कैश क्रेडिट 3 लाख 80 हजार। नहीं 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 आराम से आराम से, वो बाद में कर लेंगे, आराम से कर लेंगे। अरे यहां तक रुक के देखें, क्या वाकई 5 लाख नई मशीन की कॉस्ट है? क्या वाकई 3 80 गया? एंट्री बैलेंस क्यों नहीं? ये एंट्री बैलेंस क्यों नहीं है? यकीनन ओल्ड मशीन दी, सीधी सी बात है, लेकिन ये एंट्री कितने से बैलेंस नहीं है? ओल्ड मशीन तो 1.5 लाख की थी। अब जरा वापस पिछले पेजेस पे जाएं, जरा मैं करता हूँ इसका फाइनल, वापस पिछले पेजेस पे जाएं और जरा कैश वाली एंट्री दोबारा बोलो। कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट आप नहीं लिखेंगे क्योंकि कैश नहीं आया। फर्ज करें अगर स्टोरी में कैश आया होता, बस करो यार बस करो यार, खुदा का नाम लो बेटा, घर से पढ़ने आए थे यार, याद करवा रहा हूं। फर्ज करें अगर इस मशीन को एक्सचेंज करने की बजाय सेल किया होता, तो क्या ये एंट्री होती? क्या एंट्री होती? आप इस कैश को डिस्पोजल अकाउंट में इसलिए ले जाते ताकि दूसरी एंट्री देखें, 1.5 लाख कि WDV से डिस्पोजल अकाउंट में कंपैरिजन होके गेन या लॉस निकला। आपने इस कैश को डिस्पोजल अकाउंट में इसलिए ले जाना था ताकि 1.5 लाख की WDV से कंपैरिजन होके 30 हजार का लॉस निकला। क्या फाइनली मैं ये कह सकता हूं, अब मेरा आखिरी स्टेप कौन सा सुना रहा, कि कैश लेने की बजाय 1,20,000 कैश लेने की बजाय 1,20,000 की भी मशीन ली है? 3 लाख 80 हजार की मशीन कैसे ली है? कैश दे के,
और 1,20,000 की मशीन कैसे मिली है, पुरानी मशीन दे के। क्या लेने की बजाय क्या ले लिया है, कैश लेने की बजाय, कितना कैश लेने की बजाय, कितना कैश लेने की बजाय, 120,000 कैश लेने की बजाय 120,000 की भी मशीन ले ली है, और बाकी 3,80,000 की मशीन कैसे ली है, वो कैश दे के ली है। तो टोटल 5 लाख की मशीन कैसे ली है, 3,80,000 का कैश दे के और 1,20,000 कैश लेने की बजाय भी मशीन ली। तो क्या फर्स्ट एंट्री में कैश आ रहा है या नई मशीन आ रही है? लेकिन मशीन तो टोटल 5 लाख की है, तो यकीनन अब क्या काम हो सकता है। पहली और तीसरी एंट्री को जरा गौर से देखें, क्या इन्हें इकट्ठा किया जा सकता है? हिम्मत, नई मशीन कितने से डेबिट, 5 कैसे बना, 120 प्लस 380 डेबिट डेबिट, कैश कितना गया और इसका डिफरेंस किधर गया, ये है क्या 120 है क्या? ये है ट्रेड इन अलाउंस, लेकिन इस ट्रेड इन अलाउंस की बेस पे गेन लॉस कैलकुलेट होना है डिस्पोजल अकाउंट के अंदर। थोड़ा पीछे जाए, एंट्री से पीछे, एंट्री से पीछे, इसी इधर इन्हीं एंट्री से पीछे जाए, पीछे सब एक्सचेंज के केस में गेन लॉस कैसे आता है, ट्रेड इन अलाउंस को कंपेयर करना होता है WDV से। सेल प्रोसीड्स की जगह ट्रेड इन अलाउंस वर्ड आ गया। अब इस ट्रेड इन अलाउंस ने कंपेयर होना है डिस्पोजल अकाउंट में WDV के साथ और फिर गेन लॉस बनना। तो दोबारा मेरी अगली एंट्री जरा देखने, मैंने इकट्ठी लिखी, कितने से नई मशीन, कितना कैश गया, बाकी क्या बचा, मैंने पूछा क्या बचा, चल 1,20,000 क्या बचा, ट्रेड इन अलाउंस। उस ट्रेड इन अलाउंस ने करना क्या है, गेन लॉस कैलकुलेट करना है, किधर जाके, डिस्पोजल अकाउंट। तो मैंने इसके साथ डिस्पोजल अकाउंट वर्ड क्यों लिखा, अपने जेन में एक सेकंड, डिस्पोजल अकाउंट बनाया जा रहा है, ये मेरी एंट्री देख कर, नहीं बना, नहीं बना, यकीन माने नहीं बना। अब बड़ी मुश्किल सेंटर लाइन लगी है, ऊपर क्या लिखा नजर आ रहा है, ये 120 ढूंढने की तरफ जा रहा है, क्रेडिट साइड पे किसकी जगह, बचपन अगर याद करें, बचपन कैश की जगह, कैश की जगह क्या रेफरेंस होगा, हिम्मत हिम्मत हिम्मत, डिस्पोजल अकाउंट में 120 क्रेडिट साइड पे, रेफरेंस कौन से होते हैं, ऑपोजिट, ऑपोजिट कौन सा है, क्या कैश इसका रेफरेंस होगा या न्यू मशीन इसका रेफरेंस होगा, कैश इसका रेफरेंस क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने कैश लिया ही नहीं। हाँ, उसकी जगह हमने क्या लिया है, न्यू मशीन, तो 120 किधर होगा, क्रेडिट साइड पे, 150 ढूंढे सेकेंड एंट्री, हिम्मत हिम्मत, 150 सेकेंड एंट्री, डिस्पोजल अकाउंट में 150 किधर होगा, क्या चीज किधर होगी, WDV डेबिट साइड पे होगी, गेन बनता है लॉस बनता है, हिम्मत हिम्मत हिम्मत, 150 किधर, 120 किधर, बैलेंस कर दे आज देखी जाएगी, कौन सा बैलेंस आया, डेबिट बैलेंस किधर नजर आया, क्रेडिट साइड। बात अभी और पूरी होनी चाहिए, पहले जरा यहां तक देखिए, एक सेकंड, ये लेजर बनाते हैं, जहन में जो बना सही नहीं बना, तो ये कर लीजिए लेफ्ट साइड वाली एंट्रीज पूरी करें, और मेरे फिलहाल ये जो कैश मैंने लिख के काटा है इसी तरह कर लीजिए आप भी कीजिएगा, फिर और इसका फैसला करता हूँ। तो सर ये काम सीरियस है, एक एक चीज सोचनी समझनी पड़ती है, ऐसी मजाक साथ साथ नहीं चल सकता, एट अ टाइम एक काम हो सकता है, या क्या या क्या। लेकिन आप लोग तो माशाल्लाह मोबाइल भी साथ यूज करते रहते हैं एंड अदरवाइज एज, और पता नहीं क्या क्या मुसलसल होता रहता है, सवाए पढ़ाई के अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक हो जाता है, और पढ़ाई तो होती रहती है। ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट से कुछ सोचने की कोशिश की मेरे साथ, नहीं बेटा ओल्ड मशीनरी हमारी बुक्स में 120 की है ही नहीं, ओल्ड मशीन जो है वो 150 की है हमारी बुक्स में। ओल्ड मशीन का प्रॉब्लम ये है कि वो या तो WDV से क्रेडिट होनी है या कॉस्ट से, अगर सेपरेट लेजर।
हमारी बुक्स में, हमारे लेजर्स में ओल्ड मशीन मार्केट वैल्यू पे नहीं होगी। हमारी बुक्स में एसेट रिकॉर्ड कितने पे होता है? कॉस्ट पे। फिर वो डेप्रिशिएट होता किस अमाउंट पे आ जाता है? WDV पे। तो या कॉस्ट पे या WDV पे, डन। 120 पे नहीं। 120 क्या चीज है सारी स्टोरी में? मार्केट वैल्यू, फेयर वैल्यू। ठीक है, मार्केट वैल्यू कहना, फेयर मार्केट वैल्यू कहना। मेरे नजदीक सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री पहले वाली है। पहले वाली अगर हजम होगी, बाकी मेरा नहीं ख्याल कोई इशू है। पहले वाली हजम करें। क्या मतलब? मैंने क्या लिख के क्या काट दिया? क्या कैश की जगह अप टू द एक्सटेंट ऑफ 1,20,000, अप टू द एक्सटेंट ऑफ 1,20,000 कैश लेने की बजाय क्या उतने रुपए की मशीन ले ली है? बची है सॉरी, बाकी 3,80,000 की मशीन कैसे ली है? वो कैश दे के ली है, और 120 वाली मशीन ली, ओल्ड एसेट देख ली। एंड में मैंने ये और करके क्या लिखा? ये मैंने कंपाउंड एंट्री लिख दी है। किस किस को इकट्ठा करके? पहली और तीसरी, पहली और तीसरी, पहली तीसरी। जी कुछ क्लियर हुआ सर? जी बड़ा अच्छा एक सवाल है मेरे सामने, और ये सवाल वाकई इंपॉर्टेंट है। आप लोग लिख चुके हैं तो बता दें सर मुझे, अगर नहीं लिखा तो बता दें। जो लोग लिख रहे हैं कहीं कंप्लीट कर लें। सवाल अच्छा है, सबने सही सोच के आंसर देना। बल्कि जरा एक काम अगर पहले और कर लें, नोट कर ले। लेफ्ट साइड पे लिखे फाइनली। अब ये जो मैंने आपके सामने एंट्रीज लिख दी है, फाइनली अगर सोचा जाए तो इसमें से कौन सी एंट्रीज फाइनल है? पहली और तीसरी मेरा ख्याल है कंपाउंड लिख लेनी चाहिए, कुछ यूज हो गए कंपाउंड से। और दूसरी एंट्री एज इट इज है, देख ले दे, देख ले। तो मैं चाह ये रहा हूं कि पहले लेफ्ट साइड पे अब हम कौन सी दो एंट्रीज कर लिया करेंगे वो अगर इकट्ठी करना है। बोर्ड पे जरा देखें, चले मैं फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ। नई मशीनरी को इस तरह से रिकॉर्ड कर लिया करेंगे, न्यू मशीनरी डेबिट। बताएं किस अमाउंट से? 5 लाख मीन्स कॉस्ट सर। कैश क्रेडिट कितने से? जितना दिया हुआ करेगा, जो इस केस में 380 है। और डिफरेंस ऑटोमेटिकली ट्रेड इन अलाउंस की अमाउंट बन जाए करेगी, जो कहाँ जाके बात खत्म कर देंगे, डिस्पोजल अकाउंट फाइंड करेंगे। दोबारा सोच लें, ट्रेड इन अलाउंस कैलकुलेट कैसे होता है? अगर जरूरत पड़े फॉर्मूला दोबारा देखें। ट्रेड इन अलाउंस कैलकुलेट कैसे होता है सर? सर 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 तो अगर मैंने कॉस्ट से डेबिट किया है और कैश से क्रेडिट किया है, तो ऑटोमेटिकली कितना फर्क आ ही जाना इसमें ट्रेड इन अलाउंस का, और वो डिस्पोजल अकाउंट में चला गया। ये किस चीज की बात सारी खत्म हो गई? नहीं नहीं सर, ये नई एसेट की सारी बात खत्म हो गई। अब सिर्फ क्या रह गया? पुराने एसेट की क्या एंट्री करेंगे? ना सर। ठीक है ठीक है, गुड एफर्ट। डिस्पोजल अकाउंट डेबिट एंड ओल्ड मशीनरी क्रेडिट, ये एंट्री किस अमाउंट से कर लिया करेंगे? WDV से। आप पहले ये देखें कि क्या जो मैंने ऊपर एंट्रीज लिखी थी उन्हीं ही की फाइनली एक समरी इकट्ठी कर दी मैंने। क्या बस ये दो ही एंट्री सफिशिएंट है? क्या इसमें सब कुछ आ गया है? क्या क्या आ गया है? पुरानी डिस्पोज हो गई है, नई परचेज हो गई, वो बस हो गया काम। ठीक है, एनी कंफ्यूजन इन माई वर्ड्स? एवरीथिंग इज अ कंफ्यूजन? नहीं सीरियसली, कोई कंफ्यूजन अगर आगे चलो चले आगे सर। करें जी नोट, जिन्होंने नोट के लिए काम करें जरा ये लाइन एक्सटेंड करते रहे सेंटर में, जो लाइन पेज के लगी हुई है। एक लेफ्ट साइड पे डिस्पोजल अकाउंट बना, जो लोग एंट्रीज लिख लें
लेफ्ट साइड पे एक डिस्पोजल काउंटर है। एक्सचेंज का सारा क्रक्स ये है कि पुराना एसेट जा रहा है और नया आ रहा है। पुराना एसेट जो जा रहा है वो WDV पर रिकॉर्ड हुआ, जो नया आ रहा है वो कॉस्ट पर रिकॉर्ड हुआ। डिस्पोजल अकाउंट में पोस्टिंग करें और काइंडली प्लीज कोई पोस्टिंग एरर नहीं, कोई रेफरेंसिंग एरर नहीं, जो सही नजर आता है वही अल्हम्दुलिल्लाह सही है, पोस्टिंग एरर नहीं। इकट्ठे हो चुके हैं सारे? 1,20,000 किस तरफ लिखूं? डिस्पोजल अकाउंट में किस तरफ यार? 1.5 लाख, ठीक है, न्यू मशीनरी, बिल्कुल ठीक है रेफरेंस। 1.5 लाख किस तरफ, किस रेफरेंस से? ओल्ड मशीन, सॉरी। लास्ट स्टेप, बैलेंस द साइड्स ऑफ द लेजर, वैसे ही 150 150। जी सर, किधर डिफरेंस आ रहा, कितना आ रहा? गेन है, लॉस है? प्रॉफिट एंड लॉस में रहेगा, कैसे पता चला है लॉस है? डेबिट बैलेंस भी है और मार्केट वैल्यू कम भी है। मार्केट वैल्यू कहाँ है यहाँ? 1,50,000 मार्केट वैल्यू, 120 है सर। क्या चीज किससे कम है? मार्केट वैल्यू WDV से कम। इट मीन्स सेपरेट लेजर अगर नहीं बन रहा है accumulated appreciation का, तो फाइनली एक्सचेंज ऑफ एसेट्स के केस में कौन सी दो एंट्रीज अब आपके जहन में आया करेंगी? न्यू एसेट डेबिट, कैश क्रेडिट एंड डिस्पोजल क्रेडिट, एंड नंबर टू डिस्पोजल डेबिट एंड ओल्ड मशीनरी क्रेडिट। मुझसे सवाल जो किया गया था, अब वो मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। दो जगह से आ गया। सवाल मुझसे ये पूछा गया है, जरा एंट्रीज देखें, सिर्फ एंट्रीज। मेरी इन दो एंट्रीज में जो ऊपर में लिखी है फाइनली के नीचे, गेन लॉस नजर आ रहा है एंट्रीज के अंदर? मतलब एंट्रीज के अंदर नहीं आ रहा असल में। इस वक्त हम कर क्या रहे ऊपर जो है सबसे ऊपर हेडिंग, लेजर्स अगर रिक्वायर्ड हो तो एंट्री के अंदर गेन लॉस नहीं निकलता, वो लेजर के अंदर निकलता है। एंट्री के अंदर कब निकलता है सर? जब लेजर्स रिक्वायर्ड ना हो, तो उधर भी पहुंचने लगे हम थोड़ी देर तक, लेकिन अदर लेजर्स रिक्वायर्ड हो तो डिस्पोजल वर्ड मैंने लिखा है, और अगर डिस्पोजल वर्ड मैं निकाल दूंगा तो इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद देखिएगा सिर्फ डिस्पोजल वर्ड यहां से भी निकलने से गेन लॉस कैलकुलेट होता है। तो ये बड़ा प्लीज क्लियर हो गया, एंट्रीज के अंदर गेन लॉस कब निकलता है? जब लेजर रिक्वायर्ड ना हो। मैं ये सारी बहस किस कॉन्टेक्स्ट में कर रहा हूँ? लेजर्स आर रिक्वायर्ड, अगर लेजर्स आर रिक्वायर्ड तो फिर डिस्पोजल का लेजर भी बनेगा, और फिर गेन लॉस लेजर ऑफ डिस्पोजल अकाउंट को बैलेंस करके निकलेगा। अजम्ड है एवरीबॉडी? जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर हो गए बेटा, देन आ रहे सर इसी पेज पे। अब पिछले पेज पे जाने की मेरे ख्याल जरूरत नहीं है, बड़े हो गए हैं, जितना पिछला पेज देखना था। इसी पेज पे अब राइट साइड पे आ जाता, और इधर और गलती नहीं हो सकती, बड़े हो गए। फुल कर दें कंसंट्रेट, और सेपरेट लेजर ऑफ एक्युमुलेटेड एप्रिसिएशन है, हम इकट्ठा कर लेंगे दोबारा फाइनली करके। लेफ्ट साइड की एंट्रीज देखनी है और राइट साइड पे सोचनी है। बताएं पहली एंट्री में कोई चेंज? पहली एंट्री में को चेंज क्यों नहीं? सेपरेट लेजर ऑफ एक्युमुलेटेड अप्रिसिएशन का कोई नए एसेट से तो ताल्लुक नहीं है, वो तो बाद में बनेगा। क्या एसेट आने के बाद डेप्रिशिएट होगा? क्या उसी तरह आएगा?
लिखें पहली एंट्री, अब मैं कैश की जगह सीधा सीधा लिख रहा हूँ न्यू मशीन डेबिट एंड डिस्पोजल क्रेडिट। डेफिनेटली न्यू मशीन डेबिट मीन्स न्यू मशीनरी अकाउंट डेबिट एंड डिस्पोजल क्रेडिट मीन्स डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। डन डन सर, लिख के रुक जाए पहली एंट्री। दूसरी एंट्री को अपनी जरा अकॉबी निगाहों से लेफ्ट साइड पे देखें। और उस एंट्री को देख के अब राइट साइड पे है जरा, क्या दूसरी एंट्री के हेड सेम रहेंगे? आपने लिखे कभी हेड सेम रहेंगे सर, लेकिन अमाउंट क्या होगी? सवाल देखे सवाल देखे सवाल देखे सवाल देखे, एट कॉस्ट मीन 7.5 लाख। लेकिन 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 रुक जाए रुक जाए रुक जाए, क्या देयर फोर क्योंकि आपने कॉस्ट भी एंट्री करवाई है मुझे, कोई दूसरी एंट्री करनी पड़ेगी? कौन सी? एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट, इधर दो एंट्रीज क्यों करनी पड़ गई है? उधर 1.5 लाख WDV लिखी हुई है, इधर अगर कॉस्ट लिखी है तो उसे WDV कैसे बनाएंगे? एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन की एंट्री करके कितने से ये करेंगे अकॉर्डिंग टू द डेटा ऑफ द एग्जांपल? हिम्मत हिम्मत हिम्मत, 1,50,000 से 1,50,000 से नहीं करेंगे, कितने से करेंगे? 6 लाख से क्यों करेंगे? ताकि 7,50,000 और 6 लाख माइनस हो के क्या बन जाए? तो काइंडली कोशिश करें जरा इस एंट्री के सामने का दो लिखी जा सके, हो जाएगी कोई अच्छी सी कोशिश? कोई नहीं, बाद में फाइनली मैं दोबारा इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन अगर एक अच्छी सी एफर्ट हो जाए। असल में आपको लिखने की ज्यादा जल्दी होती है ना, कहीं मिट ना जाए। ये कब से लेके कब तक की क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगी यार? दोबारा 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 दोबारा, जी सर आगे चले सर। न्यू मशीन वाली 380 की एंट्री एज इट इज हो जाएगी सर, एज इट इज हो जाएगी सर, एज इट इज हो जाएगी सर। मैंने वे लेते रहता अभी लिखी हुई, डेफिनेटली भी इकट्ठे करते हैं सारे। तो सर ये सर मैं सेपरेट लेजर और नो सेपरेट लेजर में सिर्फ कहां मसला आता है? ओल्ड एसेट जो बेचा है या जो एक्सचेंज किए, एट WDV इफ नो सेपरेट लेजर एंड एट कॉस्ट इफ सेपरेट लेजर एंड देयरफॉर एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलग एंट्री। फाइनली अगर पहली और तीसरी एंट्री को इकट्ठा कर लिया जाए, तो बल्कि तीसरी तो नहीं शायद फोर्थ हो जाएगी, पहली और फोर्थ एंट्री अगर इकट्ठी करना है तो और करके लिखें, लिखा करें लिखा करें, अभी रिपीट करें बार बार अपने हाथों से गुजारें ये चीजें। न्यू मशीन डेबिट, न्यू मशीन डेबिट, कैश क्रेडिट, सर ये बात अब फंस रही है। फाइनली जरा खुद से कर लिए, अब डिसीजन लेंगे कि इस स्टोरी में फाइनली कौन 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 सी एंट्री कैसे 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 होगी। लगाएं जरा दोनों ऊपर वाली एंट्रीज देखें और अब फाइनल बताएं कि अगर सेपरेट लेजर सिचुएशन है तो कौन 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 सी एंट्रीज करके गुजारा हो जाएगा, और कंपैरिजन करके कीजिएगा लेफ्ट साइड के साथ।
पहली एंट्री सेम रहेगी सर, फाइनली मशीनरी डेबिट, न्यू मशीनरी डेबिट, कैश क्रेडिट, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट, पहली सेम रहेगी सर। सिर्फ मसला कहाँ है, या मसला भी नहीं शायद कहना चाहिए, डिफरेंस कहाँ है, फर्क कहाँ पड़ेगा, जो दूसरी एंट्री वो दो हिस्सों में हो जाएगी। डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, ओल्ड मशीनरी क्रेडिट, बाय हाउ मच, बाय हाउ मच, देयर फॉर अनदर एंट्री एक्युमुलेटेड एप्रिसिएशन डेबिट, एक्युमुलेटेड एप्रिसिएशन डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट, कितने से इन दिस स्टोरी, 6 लाख से। डन है सर। तो फाइनली एंट्री जरा कंपेयर करें और बताएं क्या सेम है और क्या में क्या चेंज है। न्यू मशीनरी से रिलेटेड एंट्री सेम है, ओल्ड एंड एसेट की एंट्री में WDV पे होगी अगर नो सेपरेट लेजर है और कॉस्ट पे होगी अगर सेपरेट लेजर, तो फाइनली स्टोरी शायद वहीं इकट्ठी होगी आके। ये सब कुछ लिखने के बाद अब राइट साइड वाली एंट्रीज देख के भी फाइनली तीन, एक डिस्पोजल अकाउंट जरूर बनाए। ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट सब क्लियर हो रहा है, इन एंट्रीज को देख के लेजर ऑफ डिस्पोजल अकाउंट बना दें। पोस्टिंग हो जाती है सर, पोस्टिंग में गलतियां तो नहीं होती। एक कंपैरिजन करनी जरूर कीजिएगा, लेफ्ट साइड का जो डिस्पोजल अकाउंट है और राइट साइड का, सिर्फ और सिर्फ कहां चेंज आ रहा। फाइनल करें, फाइनल करें, फाइनल करें, सारी जो बहस है वो सिमट के कहां आ गई है, WDV और कॉस्ट पे आ गई, सेपरेट लेजर नो सेपरेट लेजर, डेबिट बैलेंस आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस है, गेन लॉस की अमाउंट्स वही है, सब कुछ वही है, सिर्फ क्या इशू है, एक लेजर ऑफ एक्युमुलेटेड अप्रिसिएशन अलहदा है या नहीं अलहदा है। देख लें, कोई भी कंफ्यूजन हम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। एनी क्वेश्चन, एनी कंफ्यूजन, मेरा ख्याल है एक नजर बनता है कि 2 मिनट इसे रिवाइज किया जाए। इस एग्जांपल से शुरू करें और ये एग्जाम्पल कहां से होके कहां तक पहुंच गई जरा देखें। मैं आपके लिए कोई अच्छा सा सवाल ढूंढू, क्या मतलब हुआ उसका, क्या क्या आज हम बगैर सवाल किए घर जाएंगे रिवाइज करते हुए, सोचे तो सही जरा, आप जरा ये बातें रिवाइज करते हुए सोचे तो सही। तो आज तो फिर इसका मतलब वेल है। बल्कि कल भी छुट्टी है, पिछला रिवाइज भी करना होता, हालांकि कल छुट्टी करके भी रिवाइज किया कल।
कल सारा रिवाइज कर तो लिए, तो ज्यादा रिवाइज और करना, सिलेबस बहुत ज्यादा है आगे, इसलिए तो छुट्टी की। जी सॉरी, किस तरफ? इस तरफ राइट, लेफ्ट या राइट? जी जी ये डिस्पोजल वाली, जी जी सॉरी WDV पे किया है ना सर? ना वो किया है हमारी बुक्स में, वो WDV पे उसका फायदा 120 मिला, हमारी बुक्स में वो 1,50,000 ही की है, लेकिन मार्केट वैल्यू उसकी 1,20,000 है, इसलिए तो लॉस हुआ। हमारे पास वो 7.5 लाख की थी और 6 लाख डेप्रिशिएट हुई थी, तो हमारे मुताबिक कैलकुलेशन के मुताबिक 1.5 लाख की बनती थी, लेकिन मार्केट में वो 1,20,000 की है। क्या मार्केट वैल्यू WDV से डिफरेंट हो सकती है? तो यही तो, इसी वजह से तो लॉस हुआ। ठीक है, और सर जी वो तो आपकी बात ठीक है, इसलिए तो नीचे आ गया ना ये, 1,20,000 पे डिस्पोज किया है और WDV 1.5 लाख थी, इसलिए तो लॉस हुआ। क्या इस एंट्री में भी 1,20 लिख दो? इस एंट्री में भी बेटा 1,20,000 लिख दूं यार? अगर मैं इस एंट्री में भी 1,20,000 लिख दूं तो इसका मतलब ये होगा कि 1,20,000 वाली ही 1,20,000 पे डिस्पोज हुई है, हालांकि हकीकत ये नहीं है। हकीकत ये है कि बिकी वाकी मार्केट वाली वाकी 120 है, लेकिन हमारे पास ज्यादा वैल्यू की आ रही है, ज्यादा वैल्यू WDV पे आ रही है, इसलिए तो लॉस हुआ। ठीक है, क्लियर? तो ये दूसरी वाली एंट्री किस अमाउंट से होनी है? एडिट हजीब, डिस्पोजल वाली एंट्री लेफ्ट साइड पे किस अमाउंट से हुआ करनी है? WDV से, ताकि पता तो चले फर्क क्या है WDV और मार्केट वैल्यू में, फर्क तभी पता चलेगा अगर हम WDV से एंट्री करें। छुट्टी हुई भी है सर, आप इधर उधर देखो तो सही, आज छुट्टी थी, आप ऐसे ही आ गए, देखिए सर मेजोरिटी आज आई नहीं, तो सर छुट्टी थी, मैं तो आज इस क्या उसे कहते हैं मीटिंग सी हुई है आज, शुगल कह लें, आज किया क्या हमने? पुरानी मशीन दी है, नहीं ली है, और किया क्या आज? किया क्या हमने? क्या ये काउंटिंग पढ़ने हम ला रहे हैं? मजाक ही किया, ये मजाक है, मजाक ही हुआ, तो ये बात मजाक ही रह जानी अगर हमने सवाल ना किया, सोच रहे तसली से। जरा बुक दिखाई मैं सवाल तो ढूंढू पुराने वक्त चेक कराते हैं। क्या इस सवाल, इस चीज को भी होमवर्क की नजर करना चाह रहे हैं आप? इतनी इंटरेस्टिंग चीज यार, चले सर जी लगता है मेरी दुआ कबूल हो गई है, सवाल नहीं मिला, अभी कर मंगवा लेता हूँ। चले बेटा चला मंडे को करेंगे। भाई
बेटा इंशाल्लाह बाकी मंडे को इंशाल्लाह बेटा करेंगे। होमवर्क में बेटा बस वही है, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 अगर फाइनल नहीं हुआ तो इसके तो इंशाल्लाह नया सवाल करेंगे। इंशाल्लाह करते हैं ना, परसों करते हैं।